जनजन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और हमने आपको जैसा कि अपडेट दिखाया था कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है पंकज मिश्रा को। पूरे 8-9 घंटे लंबी पूछताछ चली थी और उसके बाद गिरफ्तार हो गए थे। हमने आपको कोतवाली थाना से भी अपडेट दिया था कि कोतवाली थाने में उनकी रात बहुत ही ख़राब तरीके से कटी है, बहुत उदास दिखे, गुमसुम रहे हैं। और जैसा हमें और अपडेट आ रहा है कि रात में जेल में वो खाना भी नहीं खाए। जी हाँ, जेल की सादी रोटी दाल जब उन्हें दिया गया तो उन्होंने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। कहा मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है अभी खाना खाने का। काफ़ी गुमसुम दिखे और कोने में चुपचाप बैठकर पूरी रात वो गुजारे है। तो कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा के लिए वाकई में ये बेहद ख़राब समय है। और अब जो खबरें निकल के आ रही है वो ये है कि 6 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है ईडी के द्वारा पंकज मिश्रा को। जी हाँ, अदालत के सामने ईडी ने कहा था कि उन्हें 14 दिन का न्यायिक हिरासत चाहिए, लेकिन 14 दिन का न मानकर हाईकोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के लिए ही उनको रिमांड पर भेजने की इजाज़त दी है। तो 6 दिन उनको रिमांड में रहकर पूछताछ होगी। आप देख सकते हैं ईडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और ईडी कार्यालय में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से घेराबंदी किया गया है। ये घेरा और पुलिस बल भी बहुत ज़्यादा तैनात है। आप सोच रहे होंगे अचानक से ईडी कार्यालय के बाहर इतना पुलिस बल तैनात क्यों है? इसलिए क्योंकि जैसा हमने आपको कल भी दिखाया था ये अपडेट कि कांग्रेस जो है वो वाकई में बहुत गुस्से में है इस चीज़ को लेकर। कांग्रेस का कहना है कि ईडी जो है वो सेंट्रल एजेंसी है, लेकिन वो अपना काम जो है वो लोकतंत्र के हिसाब से डेमोक्रेसी में जो इंडिपेंडेंट होता है काम करते हैं, स्वतंत्रता जो होती है काम करने की, स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट तरीके से जो सेंट्रल एजेंसी काम करती है वैसे ईडी नहीं कर पा रही है, बल्कि वो सिर्फ किसी विशेष पार्टी के देखरेख में काम कर रही है, उनका एजेंट बन के काम कर रही है, पार्टी दूसरे पार्टी से बदला लेने का काम कर रही है। इस तरह के संगीन आरोप ईडी पर कांग्रेस ने लगाए हैं। इसको लेकर कांग्रेस में खासी नाराजगी है और आज वो घेराव करने के लिए यहाँ पे आने वाली है, जिसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से पूरे पुलिस बल तैनात है, पूरा घेराबंदी किया गया है और साथ ही कई मीडियाकर्मी भी मौजूद है। तो बहुत हाई वोल्टेज मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से एक ड्रामा देखने को मिल सकता है। क्या कुछ अपडेट है वैसे आपको बता दें, पंकज मिश्रा भी अंदर मौजूद है और उनसे लगातार अब 6 दिन तक पूछताछ चलेगी। क्या कुछ निकल के सामने आएगा उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप बने रहे क्या। लेकिन ये भी एक खबर आ रही है कि क्या पता अगला ठिकाना जो पंकज मिश्रा का होडवार जेल भी हो सकता है। जी हाँ, बताते चले, पूजा सिंघल का याचिका तो खारिज सबसे हो रहा है, सुनवाई होगी, अभी तक बेल का कोई आसार नहीं नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि पूजा सिंघल से जो तार निकली थी, पूजा सिंघल और पंकज दोनों का दोनों होटवार जेल में शायद मिल जाए, वहां उनकी मुलाकात हो जाए, ये भी एक संभावना बन रही है। क्या कुछ होगा ये हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा श्रेय अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।